ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नाइटफॉल हो जाता है, अच्छा खासा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, सुबह सुबह चड्डी गीली हो जाती है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है कि फिर से हस्त मैथुन कर लूं, क्या करें इस नाइटफॉल का। बहुत सारे वीडियोस देख लिए, कुछ उपाय भी कर देख लिए, दवा गोली भी खा ली, खाते हैं जब तक ठीक है, फिर से नाइटफॉल शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य को 30 दिन हो गए किसी भाई के, किसी के 90 दिन हो गए, किसी को साल भर हो गया, लेकिन ये नाइटफॉल दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा मूड खराब कर देता है। सुबह जब नींद खुलती है और चड्डी गीली मिले, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, दिन भी खराब हो जाता है। आखिर इस नाइटफॉल का परमानेंट सोल्यूशन है क्या? तो मेरे भाई, इस वीडियो को बिल्कुल धैर्य का साथ देख लेना, सच्चाई कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा बिल्कुल बेफिक्र होके, किसी का डर नहीं है मुझे, ठीक है ना, मैं सच्चाई बताने को ही बैठा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना बिल्कुल धैर्य के साथ। जैसे 20 मिनट का कोई अश्लील वीडियो हो, गाली गलौज का वीडियो हो, कॉमेडी जिसमें भरी हो, गंदा नग्नता हो, उसको हम बिना स्किप करे देख लेंगे, कड़वा सत्य है ये। और कोई अच्छा कंटेंट होगा तो उसको स्किप कर करके मेन बात देखेंगे बस, और भाग जाएंगे, और यहीं पर गलती करते हैं। तो मेरे भाई, थोड़ा धैर्य रखें, अच्छे कंटेंट को, अच्छे विचारों को अपने दिमाग में जगह दें, ब्रह्मचर्य स्वतः ही हो जाता है। अब समझना जरा ध्यान से, पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुना रहा हूं, तो इसको सुनिए। तीन लड़के थे, एक लड़के का नाम था राहुल, बाकी दो लड़कों का नाम इतना आवश्यक नहीं है, उनको मैं दो लड़के बोलूंगा, एक का नाम था राहुल। ये तीनों साइंटिस्ट हैं और ये एक सांप के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो दो लड़के हैं उन्होंने उस सांप को कहीं उठाकर छुपा दिया। ये बात राहुल को नहीं पता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सांप पे नहीं होने वाला, राहुल पे होने वाला है, ध्यान से समझना, ठीक है। उन दो लड़का ने सांप को कहीं छुपा दिया और राहुल को बोला कि वो सांप कहीं भाग गया यार, चल ढूंढे। अब वो तीनों सांप को ढूंढने में लगे। इतने में ये दो लड़के क्या करते हैं, एक रस्सी में कुछ दो नुकीली चीजें लगा लेते हैं और राहुल के पैर पे हल्का सा मार देते हैं, ठीक है, और उस रस्सी को कहीं फेंक देते हैं। और राहुल को एहसास होता है कि यार मेरे पैर पे कुछ दो ऐसे चुभे, तो इन दोनों ने तुरंत कहा, अरे कहीं उसी सांप ने तो नहीं काट लिया, जबकि था कुछ नहीं, रस्सी पे दो नुकीली पन लगी हुई थी, नुकीली चीजें, उससे उसके पैर पड़े, हल्का सा डस दिया, मतलब एक चोट लगा दी हल्की सी। तो राहुल सदमे पड़ गया, अरे यार मुझे सांप ने काट लिया। उसको पूरी अपनी नाना नानी सब कुछ याद आ गया उसी समय, क्योंकि सांप ने काट लिया, उसको तो यही लगा, उन दोनों ने यही बोला, अरे वो सांप काट के भागा तुझे अभी। तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि उसको अपना फ्यूचर याद आ गया, अपनी FD याद आ गई, अपने पैसे याद आ गए, अपनी बीवी याद आ गई, सॉरी उसकी शादी होने वाली थी, मतलब तो उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह की उसको याद आ गई। तो मेरे भाई वो काफी हाइपर हो गया। इतनी देर में इन दोनों ने उसको शांत करवाया कि भाई तू शांत हो जा, शांत हो जा, शांति से बैठ जा, परेशान मत हो, वो कोई सांप नहीं था, ये देख रस्सी उठा के लाता एक, ये देख रस्सी थी, इसमें दो ये चुभन लगे हुए थे, खाली हम तेरे साथ एक प्रयोग कर रहे थे। तो वो पहले शांत हुआ धीरे से, फिर उसको गुस्सा भी चढ़ा, स्वाभाविक है, बोले यार ऐसा मजाक करते हो यार, जान निकल जाती मेरी, थोड़ा तो सोचा करो मजाक मस्ती करने से पहले। तो उन दोनों ने कहा कि हम एक प्रयोग कर रहे थे। अरे बोले काय का घंटा प्रयोग कर रहे थे तुम, है मेरी जान चली जाती यहां पे। फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर उसका थोड़ा सा जो है खून लिया उन दोनों ने, थोड़ा सा जैसे टेस्ट होते हैं, कई बार हम अपना टेस्ट करवाते हैं, खून ब्लड की जांच होती है, तो उसी तरीके से उनने उसका राहुल का ब्लड लिया। अब राहुल के ब्लड में क्या पाया भाइयों, सोचना, उसमें से जहर निकला। अब आप कहेंगे कि सांप ने काटा नहीं, जहर कहां से आया? तो यहीं से समझना मेरी बात को, बिल्कुल गौर से समझना। देखो, अब राहुल को सांप ने नहीं काटा, राहुल के बस पैर पे हल्की सी दो नुकीले वो चुभी, और इन दोनों ने बिल्कुल विश्वास के साथ एक बोला ऐसे कि अरे भाई तुझे सांप ने काट लिया है, और राहुल उसको सच समझ बैठा। अब राहुल के दिमाग ने उसको बिल्कुल सत्य पकड़ा, राहुल ने का जो दिमाग है उसने पकड़ा कि ये बिल्कुल सही है। राहुल का दिमाग मान गया, राहुल का शरीर मान गया, दिमाग से शुरुआत हुई, कंप्यूटर हम लोगों का यहां पर है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कंप्यूटर यहां पर है, कंप्यूटर ने पूरे शरीर की प्रोग्रामिंग एक प्रकार से शुरू कर दी, एक वायरस फैला दिया समझ रहे हो? तो वो उसके शरीर में जहर अपने आप ही शरीर ने जो है बनाना शुरू कर दिया, उसके शरीर ने जहर को बनाना शुरू किया। तो इससे आप क्या समझे, देखिए एक डर, इसी प्रकार से नाइटफॉल भी होता है। समझना क्या होता है, जिन भाई जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी चड्डी गीली मिले सुबह सुबह,
तो तुरंत उन्हें अगले दिन की चिंता लग जाती है। ध्यान से समझना, तुरंत जैसे आज हुआ, जैसे कि समझ लीजिए मुझे आज नाइटफॉल हुआ, ठीक। अब मैं सोच रहा हूं यार आज तो नाइटफॉल नहीं हुआ, ओ सॉरी आज नाइटफॉल हो गया, अब कल होगा कि नहीं होगा, मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। मेरे को आज पूरा दिन पड़ा है उसकी समझ नहीं है, कल की चिंता लगी पड़ी है कि कल सुबह कहीं नाइटफॉल फिर से ना हो जाए। अब चलिए कल की सुबह आई, आज मुझे नाइटफॉल नहीं हुआ तो भी मुझे कल की चिंता होगी कि यार आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, नाइटफॉल नहीं हुआ, लेकिन मुझे कल की चिंता हो रही है कहीं कल सुबह फिर से नाइटफॉल तो नहीं हो जाएगा, चड्डी गीली तो नहीं हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार से मेरे भाइयों, मेरी बात को समझना, कुछ इसी प्रकार से ये सब इस दिमाग का खेल है, ठीक है, सारा खेल इस दिमाग का है। हमें बस क्या करना है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ब्रह्मचर्य पर फोकस रखना है मेरे भाई। ब्रह्मचर्य जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर को लगातार 10-15 सालों से हस्त मैथुन कर करके दिमाग को आदत हो गई है, ठीक है ना। इस शरीर को, दिमाग को आदत हो चुकी है गंदा देखो वीरे निकालो, समझ रहे हो। तो ये चीजें एकदम से दूर नहीं होंगी, हालांकि इसके कुछ उपाय हैं, सुनते जाना भाई, सुनते जाना, ठीक है। तो भाइयों आपको सबसे पहले रात में सोते समय अपना मुंह हाथ धो लेना है, अपने पैरों पे ठंडा पानी डालना है, ठीक है, और अपने पैरों पे सरसों का तेल हल्का गर्म करके अपने पैरों के जो तलवे होते हैं उस पर आपको हल्की हल्की मालिश करना है। यकीन मानिए इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है ना, और काफी ये आरामदायक होता है। और साथ में रात में आपको मोबाइल चलाना छोड़ दो एक घंटा पहले ही, ठीक है, कुछ भी उसमें गलत दिख जाएगा फिर तुम उसी के बारे में सोचोगे, चिंगारी लग जाएगी फिर आग लगने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। और ये भी नहीं सोचना है रात में कि मुझे कल नाइटफॉल होगा कि नहीं, बिल्कुल ये सब दिमाग से हटा दो। रात में अच्छी बुक्स रीडिंग करो, आप जिस भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनके बारे में पढ़िए, या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में उस बुक्स को पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में सुधार लाइए मेरे भाई, दिनचर्या में सुधार लाना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप इसमें सुधार लाओगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। समय लगता है, 10-15 साल की चीजें हैं भाई यार, थोड़ा तो समय उसको दो, थोड़ा तो हिम्मत के साथ ब्रह्मचर्य पालन करो, धीरे धीरे आदतें बदलेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बस प्रयत्न करते रहो, ऐसा नहीं कि बस वीर्य रोक लिया ब्रह्मचर्य हो रहा है, नहीं, दिनचर्या अच्छी रखना जरूरी है तभी उसके फायदे भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो आगे बहुत कुछ हम लेकर आने वाले हैं, ओजस पे बात करनी है, त्राटक मेडिटेशन पर बात करनी है, एक्सरसाइज वगैरह के वीडियोस लेकर आने हैं, बहुत कुछ बाकी है। तो मेरे भाई फटाफट ब्रह्मचर्य पालन करो, हमें आगे बढ़ना है। बाकी टेलीग्राम हमारा ग्रुप हमने बना लिया है, उसकी लिंक नीचे है, तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। समय समय पे आपको बताता रहूंगा कौन सी वीडियो आ रही है कौन सी नहीं, आप लोग भी आपस में बात करके सजेशन हमें दीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।